हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करते हैं क्लास थ्री का इंग्लिश ग्रामर। तो लास्ट वीडियो में हमने यूनिट नंबर वन कॉमन नाउन किया था। इस वीडियो में करेंगे यूनिट नंबर टू प्रॉपर नाउन्स। सो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने कॉमन नाउन्स पढ़ा था। कॉमन नाउन्स क्या होते हैं? वो सारे नाम जो हम जनरली यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जनरल नेम्स को हम कॉमन नाउन्स बोलते हैं, जो किसी के, जो स्पेसिफिक नहीं होता, जो किसी के पर्टिकुलरली किसी के बारे में नहीं होता, जनरल नेम्स होते हैं। जैसे बॉयज, गर्ल्स, है ना, ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स। तो किसी का नाम नहीं होता जो जनरली यूज़ होते हैं। तो अब यहाँ पे इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर नाउन्स, यानी एक ऐसा नाम जो किसी का प्रॉपर नेम होता है, जो सिर्फ उसी के लिए यूज हुआ होता है। तो देखिए, हम चलिए देखते हैं। सो जैसे कि एग्जाम्पल में आप यहाँ पे देख सकते हैं, मिस्टर शर्मा, है ना। तो मिस्टर शर्मा एक नाम है जो किसी के लिए यूज हुआ है, इस आदमी के लिए। तो मिस्टर शर्मा एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है, क्योंकि वो किसी का नाम है, तो वो उसी पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो वो प्रॉपर नेम हुआ, ठीक है। और वो कहाँ गया था? गांधी पार्क। तो पार्क का भी नाम दिया है कि गांधी पार्क, तो वो भी हो गया प्रॉपर नाउन। और देन देखिए, डॉग का नाम दिया है ब्रूनो, तो डॉग के लिए भी नाम दिया है। अगर हम डॉग बोलते तो डॉग होता एक कॉमन नाउन, बट यहाँ पर ब्रूनो दिया है। डॉग हो गया कॉमन नाउन, पर डॉग का अगर नाम दिया है ब्रूनो, तो ब्रूनो हो गया फिर प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो यही फर्क है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में। तो चलिए अभी हम इसके एक्सरसाइजेस देखते हैं कि जनरल नेम्स मतलब, देखिए जैसे कि डे, डे मतलब एक दिन, पर जब दिन का नाम आ गया मंडे, तो मंडे हो गया प्रॉपर नाउन और डे हो गया कॉमन नाउन। अब बॉय मतलब लड़का, कोई भी लड़का, पर जब लड़के का नाम है वरुण, तो वरुण हो गया प्रॉपर नाउन और बॉय है कॉमन नाउन, ठीक है। तो यही, जब किसी का नाम आ जाता है तो वो नाम है प्रॉपर नाउन और उस नाम को हम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, बट कॉमन नेम को कैपिटल लेटर से नहीं लिखते। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि वो सारे नेम्स जो हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं वो प्रॉपर नाम होता है, प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। तो चलिए अभी हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए और एग्जांपल्स दिए हैं, मैगी, नूडल्स। अगर नूडल्स की बात करें तो वो कॉमन नाउन है, लेकिन जब मैगी आया तो वो प्रॉपर नाउन है। अब पेंसिल कॉमन नाउन है, लेकिन नटराज पेंसिल प्रॉपर नाउन, पेंसिल कॉमन नाउन, अप्सरा पेंसिल प्रॉपर नाउन, ठीक है। जब नाम आ जाता है ना उस चीज का, तो वो प्रॉपर नाउन होता है। तो वही दिखाने के लिए यहाँ पे ये सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहला वर्कशीट देखते हैं, वर्कशीट नंबर वन। यहाँ पे बताया है कि राइट द नेम्स ऑफ फाइव बुक्स ऑन चिल्ड्रन मूवीज। सो बच्चों की मूवीज या बच्चों के बुक्स, जो बच्चों के लिए बनी होती है, वैसी मूवीज और बुक्स के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। जैसे कि जैक एंड द बीनस्टॉक, ये एक मूवी है, इस पर बुक भी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, और फाइंडिंग नीमो, ये एक इंग्लिश मूवी है जो बच्चों की है। तो ऐसे आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, अपने फेवरेट जो आपको पसंद है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई भी नाम ऐसे दे सकते हैं। ये हम यहाँ पर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये सारे नेम्स भी प्रॉपर नेम है, प्रॉपर नेम, क्योंकि वो एक नाम है ना, इसीलिए हमने यहाँ पर इन मूवीज का नाम लिखा। और ये नाम हम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हर एक लेटर के आगे कैपिटल लेटर है, क्योंकि ये एक प्रॉपर नाम है, प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। देन आगे आपको क्या करना है, फाइव पिक्चर्स ऑफ कैरेक्टर्स एंड थिंग्स एसोसिएटेड विथ नेम्स ऑफ द बुक मूवीज यू हैव रिटन प्रीवियसली। तो जो आपने चार पांच नेम लिखे थे कुछ मूवीज और बुक्स के, उसी के रिलेटेड पिक्चर्स भी आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है। तो आप उसी के रिलेटेड, जैसे छोटा भीम लिखा है तो छोटा भीम बना सकते हैं, या फिर कोई और मूवी का नाम दिया है तो उस मूवी के कैरेक्टर्स को भी आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करिए और इसको कंप्लीट करिए। अब आगे देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं वर्कशीट नंबर टू। सो यहाँ पर कुछ कैटेगरीज दिए हैं, इन सारे कैटेगरीज में आपको दो दो प्रॉपर नाम लिखने हैं, प्रॉपर नाउन्स लिखने हैं। सो देखिए, पीपल, पीपल मतलब लोगों के नाम, तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, सीता, राजू, लता, रमेश, है ना, या सृष्टि, साक्षी, जो भी आपको दो लोगों के नाम लिखने हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि उन सारे लोगों के नाम प्रॉपर नाउन है, वो कैपिटल लेटर से। तो प्रॉपर नाउन लिखते समय याद रखिए, हर एक वर्ड जो भी आप
प्रॉपर नाउन में लिखेंगे वो कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे, ठीक है। वो रूल है कि नाम को हम कभी भी स्मॉल लेटर से नहीं लिखते। अब दो कंट्रीज के नाम लिखने हैं तो इंडिया लिखिए, रशिया, इंडिया, चाइना, जापान, कुछ भी दो कंट्रीज के नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन दो प्लैनेट्स के नाम, है ना, दो ग्रहों के नाम। देन प्लेसेस, कोई दो जगह के नाम जहां आप घूमने जाते हैं। दो कार्टून कैरेक्टर्स के नेम और दो बुक्स का नाम। तो आप यहां पर अपनी मर्जी से कुछ भी दो दो एग्जांपल लिख सकते हैं। देन आगे देखिए वर्कशीट नंबर 3, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं वर्ड्स के। इसमें से आपको पहचानना है कि प्रॉपर नाम कौन सा है और प्रॉपर नाउन कौन सा है और कॉमन नाउन कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए जो प्रॉपर नाउन है ना उसको कैपिटल लेटर्स में भी नहीं लिखा। तो जब आप प्रॉपर नाउन लिखेंगे तो आपको कैपिटल लेटर्स में लिखकर उनको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पूरा कॉमन नाउन लिखेंगे और यहाँ पर पूरा प्रॉपर नाउन लिखेंगे। चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा प्रॉपर नाउन है और कौन सा कॉमन नाउन, ठीक है। सो कार देखिए, कार कोई भी कार, कार का नाम नहीं है तो वो कॉमन नाउन है। बट मारुति कंपनी का नाम है तो वो प्रॉपर नाउन है। हॉस्पिटल कॉमन नाउन है। गुजरात प्रॉपर नाउन है ना, क्योंकि वो एक प्लेस का नाम है, पर्टिकुलर नाम है। देन स्टेट, कोई भी स्टेट नाम नहीं है। अपोलो हॉस्पिटल, ये प्रॉपर नाउन है। देन टूथपेस्ट, कोई भी टूथपेस्ट नाम नहीं दिया। बैंक, कोई भी बैंक। यमुना, यमुना नदी का नाम है तो ये प्रॉपर नाउन है। बीच, कोई भी बीच। हिंदुस्तान टाइम्स, ये एक न्यूज़पेपर का नाम है तो ये प्रॉपर नाउन है। फ्लावर, कोई भी फ्लावर। हैरी पॉटर, एक कैरेक्टर का नाम है एक मूवी में तो ये भी प्रॉपर नाउन है। देन टेम्पल, कोई भी टेम्पल। कैनेडा, कैनेडा एक कंट्री है। देन महात्मा गांधी, एक पर्सन का नाम है जो कि प्रॉपर नाउन है। तो इसमें से जो सर्कल किए गए हैं ये सब आप यहाँ पर प्रॉपर नाउन में लिखेंगे और बाकी सारे आपको कॉमन नाउन्स में लिखना है। पर याद रखिए जो प्रॉपर नाउन में लिखेंगे उन सभी को आपको यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में लिखना है और कॉमन नाउन को आपको कैपिटल लेटर्स से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो आप ऐसे ही लिख दीजिए। चलिए अब लास्ट वर्कशीट करते हैं, वर्कशीट नंबर 4। सो यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिखेंगे। इन सारे सेंटेंसेस में आपको कॉमन नाउन को जो है सर्कल करना है, सर्कल करना है कॉमन नाउन को और अंडरलाइन करना है प्रॉपर नाउन को, ठीक है। तो कॉमन नाउन को सर्कल करना है। सो चलिए देखते हैं। देखिए एनिट ब्लिटन, नंबर 1, एनिट ब्लिटन हैज रिटन मैनी इंटरेस्टिंग बुक्स। एनिट ब्लिटन किसी का नाम है तो हम अंडरलाइन कर देते हैं, ये प्रॉपर नाउन है। और बुक्स मतलब कोई भी बुक्स, बुक्स का नाम नहीं है जो कि कॉमन नाउन है। तो सबसे पहले जब आपको एक सेंटेंस मिलता है सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें नाउन कौन कौन से हैं, उसके बाद उसको छाटिए प्रॉपर कौन सा है, कॉमन कौन सा है। जो कैपिटल लेटर से हैं वो प्रॉपर हैं डेफिनेटली, और जो सिंपल से लिखे हुए हैं वो कॉमन है। तो नाउन को ही आप ढूंढिए, ठीक है। देन नंबर 2 में देखिए, आई लिव इन न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली जगह का नाम है, ये प्रॉपर नाउन है। वी हैव अ हॉलीडे ऑन थर्सडे, तो थर्सडे भी प्रॉपर नाउन है। हॉलीडे जनरल से बोलते हैं तो हम उसे कॉमन नाउन करके मार करेंगे। देन कैरेट इज अ वेजिटेबल, तो सो इसमें कैरेट और वेजिटेबल दोनों ही कॉमन नाउन है क्योंकि कोई भी कैरेट और कोई भी वेजिटेबल, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया है। देन सुरेश इज रीडिंग अ मैगजीन, तो सुरेश प्रॉपर नाउन है और मैगजीन कॉमन नाउन है। देन टाइगर्स एंड लायंस आर फियर्स एनिमल्स, सो टाइगर्स और लायंस भी देखिए कॉमन नाउन है क्योंकि यहाँ पर उनका नाम नहीं दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टाइगर को कैपिटल लेटर से इसीलिए लिखा है क्योंकि वहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा है, पर लायन देखिए आप यहाँ पे कैपिटल लेटर में नहीं लिखा। तो टाइगर और लायन भी कॉमन नाउन है क्योंकि उनका नाम नहीं है, कोई भी टाइगर हो सकता है, कोई भी लायन। जनरली बोल रहे हैं कि टाइगर और लायन जो है फियर्स एनिमल्स हैं, बहुत डरावने एनिमल्स हैं। तो यहाँ पे आपको 3 कॉमन नाउन मिलेंगे, एक टाइगर, एक लायन और एक एनिमल्स, ठीक है। तो ये तीनों कॉमन नाउन है। नेक्स्ट, द रेड फोर्ट इज एन ओल्ड मॉन्यूमेंट, तो रेड फोर्ट देखिए उसको अंडरलाइन करें, ये कॉमन नाउन नहीं है, प्रॉपर नाउन है, और मॉन्यूमेंट एक कॉमन नाउन है। तो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट करनी है।
अब देखिए आगे आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए हैं L, S और P, तो इन लेटर्स से आपको पर्सन का नाम लिखना है, प्लेस का नाम, एनिमल का नाम और थिंग का नाम। ऐसा एक गेम भी होता है, आपने देखा होगा, है ना। तो आपको जो है इस तरीके से इसको लिखना है। सो L से आप कोई भी पर्सन का नाम लिख सकते हैं, ललित, लक्ष्मी, कोई भी पर्सन का नाम जो L से शुरू होता है आप यहाँ लिख सकते हैं। देन प्लेस का नाम तो लंदन, लखनऊ, ऐसे कोई प्लेस का नाम लिख सकते हैं। देन एनिमल का नाम तो लायन लिख सकते हैं, थिंग का नाम लॉकेट लिख सकते हैं। देन एस से आपको लिखना है पर्सन का नाम, तो एस से आप अपने फ्रेंड्स का नाम साक्षी, सूरज, एंड देन प्लेस का नाम लिखना है, एनिमल का नाम, थिंग का नाम, तो ये सब आपके आंसर अलग अलग होंगे, है ना। एंड पी से भी आपको लिखना है पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, और ये एक्टिविटी भी आपको कंप्लीट करनी है। और यहीं पे हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अभी देखिए लास्ट में यहाँ पे पूछा है कि अगर आपने देखा स्कूल में कुछ बच्चों को कुछ बच्चों को डेस्क पे और वॉल्स पे स्क्रिबल करते हुए, स्क्रिबल करना मतलब अपनी पेंसिल से कुछ कुछ लिखते रहना, तो आपको क्या लगता है वो एक गुड हैबिट है कि बैड हैबिट है? तो वो एक बैड हैबिट है, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर नो पे टिक करेंगे क्योंकि वो एक गुड हैबिट नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नो पे टिक कर देते हैं। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।